बुरा लगता होगा किसी को सुनकर के, पर मैं किसी को बुरा लगने के लिए नहीं, भागवत को बचाने के लिए कह रहा हूँ। यम ब्रह्मचेष्टाम तम पुरुषे यावते त्वया। वेद राक्षस चुरा के ले गए आज से 6000 वर्ष पहले। अब वेद जब चोरी हो गए तो वेद बचे कैसे, हमारी संस्कृति कैसे बचे? पर उस काल में वेदों को पढ़ने के अलग अलग तरीके, उस काल में वेदों को गूंगा पढ़ते थे, अंधे पढ़ते थे, बहरे भी पढ़ते थे, लूले और लंगड़े भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते। मुकबधिर बच्चों के स्कूल अलग है, अंधों के अलग हैं, गूंगों के अलग हैं, बहरों के अलग हैं, सब है व्यवस्था। और ये व्यवस्था प्राचीन है इसलिए आज है। राक्षस हमारे विज्ञान की थ्योरी को ले गए, पुस्तकें ले गए, पर जो अंदर आत्मा में जो समाया हुआ वेद है उसे कौन चुरा के ले जाएगा? इसलिए महर्षि मनु कहते हैं, इसलिए चाणक्य कहते हैं, इसलिए विदुर कहते हैं, इसलिए भागवत आचार्य व्यास कहते हैं, सब चीज की चोरी हो सकती है पर भक्ति और विद्या की कोई चोरी कर सकता नहीं है। विद्या चोरी नहीं कर सकता कोई, ये परम धन है, भक्ति परम धन है। आपकी कमाई का कोर्ट कचहरी तक बच्चे कर सकते हैं, पर आपके भजन पर कोई भी दावा ठोक सकता, ये हमारा धन है। और जिस पे दावा ठोक नहीं सकती औलाद, वही धन हमारा है, वही साथ जाएगा। जिस पर औलाद को जोड़ दिया जाता है वो धन हमारा है नहीं, साथ भी नहीं जाएगा। बैंक में खाता खोलना तो बैंक वाला कहता है वारिस लगाओ, तो मैंने कहा मेरा है नहीं तो मैं कहाँ से लगाऊं, तो मेरा खाता नहीं खुलेगा। नहीं लगाना ही पड़ता है, लगाना ही पड़ता है, लगाना ही पड़ता है। तो अब लगाना पड़ता है तो मैंने नाम रख दिया किसी का, विलो भाई इसका ही नाम लिख दे, फिर यही बारिश है। ना मेरा डीएनए, ना मेरा कोई खून, ना मेरा कोई रिश्ता समझौता। हाँ पर यह है कि गुरु शिष्य का नाता है, यह मैं जानता हूं कि यह ना मेरा है ना मेरे साथ जाएगा, इसलिए इसका बारिश है, यहीं रहना है, इसलिए उसके लिए कोई ना कोई होना चाहिए रखवाली करने वाला। पर श्रीमद् भागवत दोनों पक्षों को मजबूत करती है। उमाकांत जी, एक पक्ष वो है जहां से हम नाव में चढ़ते हैं, वो किनारा भी अच्छा ही होना। चढ़ते हुए अगर किनारा रेत वाला है तो चढ़ते समय प्रेशर पैर पर पड़ता है, एक पैर नाव में पड़ता है, दूसरा पैर दबता है धरती में, तो कहीं ऐसा ना हो रेत फिसल जाए कि हम नदी में चले जाएं, तो ये किनारा अच्छा हो। और जब हम उस किनारे पर उतरते हैं तो वहां पर भी मजबूत ही किनारा होना होना चाहिए, क्योंकि वहां पैर रखते जमीन पर। तो हमारे तो दोनों किनारे अच्छे होने चाहिए, कौन सा, उतरने वाला भी और चढ़ने वाला भी, दोनों किनारे हमारे अच्छे होने चाहिए। तो कैसे अच्छे होंगे? सत्संग से, विवेक से, ज्ञान से, भक्ति से, सेवा से, अपने पवित्रता कर्मों से हमारे सब किनारे मजबूत हो जाएंगे। और इन किनारों के लिए हम लड़ रहे हैं महाराज, इनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं।